मेरिकल का स्टेटमेंट कहते हैं, यू आर गिवन ए कन्वेक्स मिरर बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज विद यू, और ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आप लेते हो, तो वी विल राइट नेगेटिव साइन ओवर हियर। एंड फर्दर मोर यू नीड टू कैलकुलेट वी, नेचर और साइज, सारा कुछ आपको बेटे बताना है। जब भी आपको बेटे स्टेटमेंट पार्ट में जो जो चीजें दी गई हैं, आप उन सारी चीजों को पहले लिखिए कि क्या आपको मिरर दिया गया है या लेंस है या जो कुछ भी है, उनको सिस्टमेटिक वे में नोट कर लीजिए। एंड आफ्टर नोटिंग दैट बेटा इन द सिस्टमेटिक मैनर, अब आप बेटे मिरर फॉर्मूला कंप्लीटली लिख लीजिए। 1/B + 1/U = 1/F। तो आई डोंट नो कि आप लोग अपनी क्लास में कैसे किया करते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए सर। डायरेक्टली अवॉइड करिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जो चीज आपको निकालनी है उसको लेफ्ट साइड पर एडजस्ट कर लीजिए विद इन द फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यूज पुट करिए। जैसे कि आपको v निकालना है, आप 1/V को 1/F - 1/U कर लोगे, राइट बेटे। फिर आप इसको यहां पर एलसीएम ले लीजिए, इट विल बी समथिंग लाइक दिस बेटा, हो जाएगा ना ऐसे। एंड वी विल बी इक्वल टू F (U)(U-F) बेटा। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ना कि यहां पे। अगर आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। आइए देखें वैल्यूज पुट करके, इट इज एफ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, सो इट विल बी इक्वल टू बेटे 3/2, 6 नहीं पुत्र, कीप इट 3/2 एज सच, दिस इज 3/2। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बेटा -5 आपको दे रखा है उन्होंने, एंड दिस इज -5 एंड -3/2 हमने कर दिया, राइट बेटे। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, v इज नाउ -5 × 3/2 डिनोमिनेटर में बन गया, -13/2 बन गया, इसको मैंने लिख दिया -2/13 उल्टा करके लिख दिया ताकि हमें प्रॉपरली सोल्यूशन मिल जाए। इट इज गेटिंग कैंसल्ड, नेगेटिव साइन गेटिंग एडजस्टेड, और बी आपके पास आ गया जी 5 × 3 = 15 / 13 मीटर्स। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर था, 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, लेकिन आपको इमेज ये 1 point something आ जाएगा, 1 point कुछ आपने निकाला हुआ, कितना आ रहा है 1.15 के करीब आ जाएगा आपका, 1.15 meters, मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट आपको काफी ज्यादा नजदीक दिख रहा है। और अब आपको उन्होंने कहा है कि आप इसका इमेज का नेचर भी बताइए और साइज भी बताइए। नेचर और साइज के लिए बेटा आइए सबसे पहले मैग्निफिकेशन की टर्म्स में बात करें। m इट इज -V/U इन द केस ऑफ द मिरर्स। आप क्या करिए, इस b की और u की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, माइनस साइन एज इट इज, v कितना था 15 / 13, u कितना आपके पास है, इट इज -5। ये प्रोडक्ट में आ रहा है आपका, इट इज गेटिंग कैंसल, 5 × 3 = 15, मैग्निफिकेशन बन गया 3/13। बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, आपका मैग्निफिकेशन m जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी <(1)>। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, इसका मतलब हुआ आपका इस केस में जो इमेज बन रहा है ये इरेक्ट भी है, स्मॉल इन साइज भी है और वर्चुअल भी होगा बेटा। सो इस तरीके से आप अपने नेचर ऑफ द इमेज को रिवील कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपका जो मिरर इमेज बन रहा है बेटा, दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड बेटा इट इज स्मॉल इन साइज और डिमिनिश्ड बेटा। सो इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड
small in size. So I expect ki sare students ko bhi clear ho gaya hoga. कोई प्रॉब्लम दिक्कत वाली बात तो नहीं. एक और प्रॉब्लम है बेटे, बिल्कुल इससे मिलता जुलता मिरर का प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो एंड सी हमें किस तरीके से उसको बच्चों सॉल्व करना है. आइए देखें, सोचें, समझें कि क्या चीज है करने वाली. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. एन ऑब्जेक्ट बेटा 4 सेंटीमीटर इन साइज. आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है जी 4 सेंटीमीटर, राइट. इट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कंकेव मिरर. मिरर आपको दे दिया कंकेव. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. हमेशा नेगेटिव लेते हैं. It is placed in at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Focal length आपको 15 centimeter दी हुई है. Positive दिखोगे, negative? पक्की बात है? Yes, negative आ गया. Concave mirror है तो negative ही होगा definitely. At what distance from the mirror should the screen be placed to obtain the sharp image? Find the nature and the size of the image. कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन प्लेस करना चाहिए सो दैट की वेल फोकस एंड शार्प इमेज आपको मिल जाए. यू अदरवाइज इंटेंड टू कैलकुलेट बी, राइट. बिल्कुल सेम ही चीज है. मिरर फॉर्मूला हमारा क्या था? वेरी राइट, वेरी राइट. इट इज 1/b प्लस 1/u is 1/f. यहां पे वैल्यूज पुट कर दें? नहीं करनी. यस, गुड गुड. सो 1/v इट इज 1/f माइनस 1/u. अब यहां पे और एक स्टेप सॉल्व करेंगे. इट विल बी f इनटू u एंड u माइनस f 1/v, है ना. इट इज f इनटू u अपॉन u माइनस f. अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. एफ कितना था आपका? माइनस 15 एंड यू कितना है? माइनस 25. इन द डिनोमिनेटर आपके पास आपको यू माइनस 25, फोकल लेंथ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. नेगेटिव इनटू नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव एंड वी it is now 15 into 25 in the denominator. 15 plus का 25 minus का कितना बना? पक्की बात है? It is minus 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15. b बन गया 75 upon 2 with negative minus 37 point meters में कि centimeters में? It will be in centimeters, right? अब इसका नेचर वगैरह निकालना है आपको. कैसा होगा, कैसा इमेज बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड बनेगा. यहां से भी अंदाजा हो जाता है. वैसे आपने अपना ऑब्जेक्ट जो है ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, बियॉन्ड 15 रखा हुआ है. एफ और बेटे जरा इतना सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है, यहां से क्लियर हो जाता है. अरे हो जाता है तो बोलो ना बेटे. फोकल लेंथ है 15 है, डबल 30 हो गया. आपने इसको ओके मैं एक वेरी गुड गुड. आपने इसको बेटा एफ और 2f के बीच में रखा तो इमेज विल बी ऑब्वियसली बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f तो बड़ा ही बनता है इमेज आपका. तो इट विल बी रियल इनवर्टेड मैग्नीफाइड. अगर आपको वर्कआउट करना होगी कितने साइज का है, h1 आपको दिया हुआ है, तो देन वी कैन अडॉप्ट द फॉर्मूला. आइए देखें फॉर्मूला लगाकर कैसे आप कर सकते हो. आइए देखें बेटा, आपका मैग्निफिकेशन होता है h2/h1 होता है एंड इट इज आल्सो इक्वल टू v/u के माइनस v/u. v/u नहीं होता,
माइनस होता है. इट मींस कि आपको पता है, अच्छी बात है, एच टू बाई एच वन माइनस वी बाई यू, एच टू इज माइनस वी बाई यू इंटू एच वन. आइए वैल्यूज पुट करें. मिस्टेक अभी जा रही है बेटे, टेस्ट वाला आपको डिस्कस करवा तो दिया है क्लास में, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, दूसरी क्लास में सारा करवा दिया हुआ है. एच टू इज इक्वल टू माइनस बी कितना था आपका, नहीं नहीं 70 बाई टू था ना, फिर एक्सेल में क्यों लिखना हमें, 70 बाई टू पॉजिटिव ही था ना, और यू कितना है बेटा वो देखो माइनस, एंड एच वन कितना है ये लिख रहे, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा 25, ये आ गया जी 5, ये आ गया, ये बना 28 बाई 5, इतना ही बना. फिर कुछ और है, हाँ अच्छा, यहाँ पे हमने उल्टी लिख दी है वैल्यू, एक बार दोबारा कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं. वी कितना था जरा देखिए, मैंने रद्द कर दिया है, माइनस का 75 बाई 2 था, और आपका एच वन 4 है, यू कितना है माइनस 25 है, माइनस से माइनस कट गया, 25 3s आर 75, ये 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6, आपका एच टू एच वन से क्या हो गया, बड़ा हो गया कि छोटा, बड़ा हो गया. इट कि आपका इमेज फॉर्म जो है इट इज रियल इनवर्टेड, और इनवर्टेड का कहां से पता चलेगा हमें, यस पर यहां क्यों नहीं नेगेटिव आ रहा, देखो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. यू हाँ जी, ये तो लिखा ही हुआ है माइनस ऑलरेडी. अच्छा वी भी आपका नेगेटिव आ रहा था, उसको लगा दीजिए, कि मैं वही सोच रहा था कि वाई इज नॉट गेटिंग नेगेटिव. ओके बेटा, सो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है आपका इन्वर्टेड है, रियल भी है और एनलार्ज भी है बड़े साइज का. राइट बेटा, इसके बाद कुछ मैं एक दो पॉइंट आपको और डिस्कस करवाना चाहता हूँ, तब तक आप न्यूमेरिकल ढूंढो और कोई आपको करना है तो. बेटे आप लोगों ने मैग्निफिकेशन ऑलरेडी मिरर्स के केस में कर रखा है, सारे स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर देखिएगा साथ साथ, आपने मैग्निफिकेशन मिरर्स में निकाला हुआ है माइनस वी बाई यू निकाला है ना, और मिरर फार्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ है. आइए थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट करके देखने भी क्या हमें कोई नई चीज मिलती है. इसको वी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्रू आउट, कर दूं बताओ, अरे बोलो, इट विल बी देन बी इनटू बी ओवर बी वन आ जाएगा, 1 प्लस वी बाई यू इज वी बाई एफ बना, इस 1 को उठाकर इधर ले जाएं, वी बाई यू बन गया वी बाई एफ माइनस 1, एंड वी बाई यू बन गया वी माइनस एफ बाई एफ. जरा ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को, ये वी बाई यू की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं ये, तो कैसा रहेगा, यहां पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, एम आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ बी माइनस एफ अपॉन एफ, और क्या बन गया ये एफ, दिस इज जस्ट एन अदर फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ द मिरर्स. समझ आई बात, इसमें यू नहीं है, ये एफ और बी की टर्म्स में है, ये इसकी स्पेशलिटी है. राइट,
कई बार जो मेडिकल्स में आपको यू नहीं दिया होता, फोकल लेंथ और वी दिया होता है, तब आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अमृतपाल बेटा, वी को मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मैं वी बाई यू बनाना चाहता था यहां पर। अगर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो आई विल नॉट गेट वी बाई यू। मैं वी बाई यू निकालकर उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके अल्टीमेटली यू को एलिमिनेट करना चाहता था। दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस बेटा। अमृतपाल क्लियर हो गया कि नहीं? नाइस। इसके बाद हाँ जी बेटे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करिए आराम से, करिए तसल्ली से नोट करिए, कोई बात नहीं ऐसी। इसके बाद स्टिल वी हैव अनदर रिलेशनशिप फॉर द मैग्निफिकेशन दैट विल नॉट कंटेन आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स वी और यू, बट इट विल बी हैविंग सम अदर, मे बी यू एंड एफ और मे बी वी एंड एफ। तो चलो आपने कर ही लिया। हाँ जी बेटा एक बार देखिए, मैं आगे चल रहा हूँ, वो रिपीट करने वाला ही है, ध्यान दीजिएगा मनसा। इसके बाद हमारे पास बेटे स्टिल अनदर फॉर्म फॉर द मैग्निफिकेशन। यस, क्या कहना चाहते हो? रुक जा जरा, रुक जा। वी वर हैविंग मैग्निफिकेशन टू बी माइनस वी बाई यू बेटा, दो मिनट बेटे वेट कर लो, एक और मिनट। आपके पास था वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ था। अब की बार U से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो वी विल गेट U अपॉन V प्लस, क्या लिखूं? इट विल बी U से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या लिखूं बेटे यहाँ पे? वन, वेरी नाइस। इट इज U बाई F बेटा, राइट जी? डियर चिल्ड्रन, U बाई V फिर बन गया जी, U बाई F माइनस वन बना। इसको सॉल्व कर ले तो ये U बाई V U माइनस F बाई F बन गया जी। उल्टा कर दे इसको तो v बाई यू बन गया f बाई, डरते डरते बोल रहे हो आप। इस u बाई v की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं यहां पे, राइट? सो वी विल हैव मैग्निफिकेशन टू बी माइनस, क्या लिखूं? f अपॉन u माइनस f लिख दो, एंड इट इज नथिंग बट f अपॉन f माइनस u। तो इसमें देखिए v निकल गया बाहर, ये आपका मैग्निफिकेशन बन गया एफ और यू की टर्म्स में। यस बेटा, डियर चिल्ड्रन, आयुष, अमृतपाल, चाहत, दिशा, दिया, गुरसिमरन, ज्योत, सिमरनजीत सिंह, हर्षित, जसलीन, मैं सबका नहीं नाम ले पा रहा हूँ बेटा, लॉन्ग लिस्ट है, टाइम कंस्ट्रेंट है। निष्ठा शर्मा बेटा, अमृतपाल कुछ कहना चाहता है? हाँ जी बेटे अमृतपाल, अनम्यूट करिए, बोलिए। सर जो आपने लास्ट फॉर्मूला 20 से मतलब देखो, रेडोस का रिजल्ट फिर से बता दो, लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला, पिछली बार इससे पहले जो करवाया था बेटे, पिछले वाले में आप मल्टीप्लाई कर लो और v / u निकाल लो, जो भी आएगा यहां पुट कर दो। बोलना है जरा रिजल्ट क्या था पिछले वाला। m = f - v / अमृतपाल, गॉट इट? बैठिए बेटा अमृतपाल। सर ओके, थैंक यू सर। निष्ठा, निष्ठा कहाँ चली गई? निष्ठा, निष्ठा बेटा रेज योर हैंड, आप कुछ पूछना चाहते थे, मुझे मिल नहीं रहे हो आप। निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा कहाँ चली गई? यस, हाँ जी बेटे निष्ठा बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटे, बोलो पुत्र।
सर ये ऊपर माइनस फोकल लेंथ नहीं आएगी? हाँ जी एम जहाँ पर एम, हाँ जी सर ये समझा दो, माइनस फोकल लेंथ नहीं आएगी ऊपर न्यूमिरेटर में? अरे गुड़िया माइनस यहाँ लिख दो, एक एक मिनट रुको रुको रुको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सारे बच्चे जरा देखिएगा, डरना नहीं है आपने, ये आप ले गए, ये आप ये कह रहे हो निष्ठा, क्यों पुत्र निष्ठा कहाँ चली गई निष्ठा? अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बेटे मॉडिफाई किया है, ये माइनस एफ एस एच है, नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, ये बन गया एफ माइनस यू, अरे है इट इज गेटिंग कैंसल्ड, एम कितना बन गया एफ अपॉन एफ माइनस यू बना निष्ठा। एक मिनट बेटे निष्ठा अनम्यूट कर दीजिए और बोलिए इज इट जस्टिफाइड और नॉट? यस सर थैंक यू सर। ओके बेटे ओके वेरी नाइस। किसी भी और स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट पूछना है बताना है, कोई अपनी बात करनी है बताइए, कोई मेडिकल कोई छोटी मोटी और प्रॉब्लम, कोई आपका बेटा और पॉइंट डिस्कस करने वाला तो बताइए। शांतनु ऑल क्लियर, सिमरनजीत सिंह कहाँ चला गया? स्कूल तो नहीं आता, इधर तो आना चाहिए। सिमरनजीत सिंह नहीं कहीं दिख रहा, गुड सिमरन, ओके 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 ओके, यू आर अनम्यूटेड बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। है हाँ जी सिमरनजीत सिंह जी बोलिए। सर सर मेरा नाम सर गुरसिमर जो होता है। क्या कहती हो सर? गुरसिमर जो होता है मेरा नाम, सिमरनजीत नहीं है सर। अच्छा गुरु बेटे फिर क्या हुआ, अपने बच्चे पुराने बच्चे हैं, डेट आ गई बेटे, जो कोई बात नहीं है बेटे, वो कई बार स्किप हो जाता है, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, नो प्रॉब्लम बेटे बोलिए। आपका कोई और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप पूछना चाह रहे थे? लाइए लाइए लाइए। हाँ ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई? एक आपका प्लेन मिरर है, ये ऐसे पड़ा था, ध्यान दीजिएगा इस पे, बैठे बैठिए बैठिए बैठिए, ये नॉर्मल है आपका, आपने इसको एंगल इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। अब आपने क्या दिया इसको, मिरर को आपने टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पे, है ना? अब मिरर आपका चला गया इधर, ठीक है, और नॉर्मल आपका जरा ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल आपका बन गया इधर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एट एन एंगल थीटा बदल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस में थीटा एंगल की चेंज आ गई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में भी थीटा भी चेंज आ जाएगी। पहले केस से कंपैरेटिवली रिफ्लेक्टेड रे जो है अब उस प्लेस पे नहीं रही, इट इज गेटिंग टिल्टेड। नहीं समझ आया? आपने जितने एंगल पे इसको, आपने मिरर को टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पर, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उसी, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते ना ऐसे कर लीजिए, आपके पास ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है जी, ये नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप कहते नहीं जी मैंने तो इधर को इसको टिल्ट करना उधर नहीं करना, तो आपका नॉर्मल फिर इधर चला जाएगा ये, अब नॉर्मल के साथ आपका एंगल ऑलरेडी आई ये था, अब आई की जगह पर कितना बन गया आई प्लस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश अब नया ये बन गया, आर डैश कितना होगा, इट इज अगेन आई और आर बराबर ही है, इट विल बी अगेन आई प्लस थीटा या आर प्लस थीटा, इनमें फर्क आप निकालना चाहते हो टोटल, तो टोटल फर्क आपका टू थीटा का समथिंग लाइक दैट मिल जाएगा, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे हो, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, आप इसकी तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहे हो, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन यूर इमेज एंड यू,
आपकी इमेज और आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? अमृतपाल, आयुष, चाहत, आशा, बाकी सबके नाम नहीं ले पा रहा मैं। एनी वन फ्रॉम योर साइड कैन रेज योर हैंड। आप एक प्लेन मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से अप्रोच कर रहे हो। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ योर इमेज विद रिस्पेक्ट टू यू? बोलो पुत्र, सिमिलर कैसे हो जाएगी? ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 2 मीटर पर सेकंड। आपकी इमेज की विद रिस्पेक्ट टू यू कितनी स्पीड होगी? आप रुके नहीं हुए, आप भी मूव कर रहे हैं, इमेज भी नहीं रुका हुआ, वो भी मूव कर रहा है। इसके बारे में सोचिएगा और सोचते रहिएगा और मुझे बताइएगा बाद में। थैंक यू ऑल बेटा।